हम सभी अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि कंपनी ने लाखों करोड़ों के प्रॉफिट अर्न किए हैं और आप भी उस कंपनी के शेयर होल्डर होते हो। और जैसा कि आप जानते हो, एज अ शेयर होल्डर आप कंपनी के मालिक होते हो। क्या कभी आपने सोचा है कि उस कंपनी के प्रॉफिट में आपका कितना हिस्सा है, आपके एक शेयर के बदले में कंपनी कितनी प्रॉफिट कमा रही है? तो हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, मेरा नाम है रंजीत और मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। आज हम इस वीडियो में RTGPS के ऊपर डिस्कशन करेंगे, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट में आपका कितना हिस्सा है, आपके एक शेयर के बदले में कंपनी कितनी प्रॉफिट कमा रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्लाइड्स के थ्रू ईपीएस क्या होता है समझते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के एंड में एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं जो भी स्टॉक मार्केट में बिगनर्स हैं उनके लिए, ठीक है? तो आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। अगर मैं ईपीएस को सिंपल टर्म में बताऊं कि ईपीएस क्या होता है, तो ईपीएस इक्वल टू होता है कि जो कंपनी प्रॉफिट अर्न की, तो एक शेयर के बदले में कितनी प्रॉफिट अर्न की, उसी को हम ईपीएस बोलते हैं। जनरली आप लोग देखते हैं कंपनी करोड़ों में प्रॉफिट अर्न करती है, लाखों करोड़ों में अर्न करती है, बट ईपीएस देखोगे 10 रुपए 12 रुपए ऐसे होंगे। आगे हम एक दो एग्जांपल्स भी चेक करेंगे, ठीक है? तो जनरली जब कंपनी बिजनेस करती है तो उससे जो भी प्रॉफिट होता है तो वो सारा का सारा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड या फिर शेयर होल्डर को ट्रांसफर नहीं होता है। कंपनी जनरली क्या करती है, वो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है बिजनेस को, ताकि बिजनेस जो है कंपाउंडिंग ग्रोथ होता रहे, ठीक है? तो कंपनी जनरली क्या करती है, एक छोटा सा अमाउंट एज अ डिविडेंड दे देती है और बाकी पैसा री इन्वेस्ट कर देती है। तो इसीलिए अगर आप ईपीएस का फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे ईपीएस इक्वल टू होता है जो नेट प्रॉफिट आया उसको माइनस करते हैं प्रेफर्ड डिविडेंड। अगर कोई डिविडेंड अनाउंस हो चुका है तो वो हम माइनस करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है? तो यहाँ नेट प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, एंड आउटस्टैंडिंग शेयर इक्वल टू जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू हो चुके हैं उनको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेटिकल कंपनी का नाम लिया जिसका बिटकॉइन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड रखा है। तो इस कंपनी ने 10,000 करोड़ का रेवेन्यू किया, 8,000 करोड़ का एक्सपेंसेस है, 2,000 करोड़ का हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जो मेन बिजनेस हम करते हैं, जो मेन धंधा होता है, वहां से जो पैसे आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यार 2,000 करोड़ निकल के आ रहा है। अब इसमें से हम माइनस करते हैं जनरली कुछ एक्सपेंसेस और होते हैं, इंटरेस्ट होता है, लेकिन मैंने वो सब अभी यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल के इग्नोर किया है। तो हमने यहाँ पे टैक्सेस को माइनस किया, टैक्सेस माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट हमारे पे निकल के आ रहा है वो 1,500 करोड़ का आ रहा है। तो हमने फॉर्मूला में देखा था कि नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड है, हम यहाँ पे अज्यूम करें कि कोई भी डिविडेंड नहीं है, जीरो डिविडेंड है और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर 10 करोड़ है। तो हमने डिवाइड किया तो 150 रुपये पर शेयर यहाँ पे आपका ईपीएस निकल के आ रहा है। अब कंपनी ने 1,500 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट कमाया था, बस उसमें अगर आपने एक शेयर भी होल्ड किया होता तो 150 रुपये का प्रॉफिट आपका होता, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको TCS का हिस्टोरिकल ईपीएस डेटा यहाँ पे कलेक्ट करके आपको बार चार्ट में दिखाया है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2010 में TCS का 17 रुपए का ईपीएस था लगभग, और वो अब बढ़ के 87 आ गया। तो ये एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक साल का ईपीएस देख के आप नहीं बता सकते कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं, आपको हिस्टोरिकल ईपीएस ढूंढना होगा। और अगर ईपीएस ग्रो कर रहा है यानी कि कंपनी का बिजनेस बहुत सही चल रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि अगर ईपीएस खराब है तो हम उसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे भारतीय एयरटेल का एग्जांपल है, यहाँ पे देखो ईपीएस काफी वॉलेटाइल है, फिर अभी तो लास्ट 2 साल में निगेटिव भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। क्या पता अगले साल ईपीएस पॉजिटिव में आए और उसके बाद आने वाले 10 साल ईपीएस बिल्कुल ऐसे ग्रो करने लगे। तो कभी भी कंपनी का हमें करंट सिचुएशन पे ज्यादा फोकस नहीं, फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए कि फ्यूचर में कंपनी की ईपीएस कैसे ग्रो करने वाले हैं, ठीक है? तो अब आप में से कई लोग जानना चाहते हैं ईपीएस इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ नेट प्रॉफिट में चेंज होगा तभी होगा ईपीएस इंक्रीज या डिक्रीज, यहाँ पे शेयर होल्डिंग में चेंज होने के कारण भी होते हैं। तो जैसे कि मान लो कि किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, बिजनेस अच्छा चला, रेवेन्यू ज्यादा है या फिर एक्सपेंसेस कम गया, दोनों में से कुछ एक आएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो नेट प्रॉफिट का ईपीएस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो नेट प्रॉफिट बढ़ा ईपीएस बढ़ा, नेट प्रॉफिट घटेगा ईपीएस घटेगा। बट कई बार क्या होता है, कंपनियां क्या करती है आउटस्टैंडिंग शेयर इंक्रीज कर देती है। जैसे कि कभी कभी कंपनियां राइट इशू ले आती है, एफपीओ ले आती है, तो इस तरह के जब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं एफपीओ को, तो इस तरह के जब न्यू शेयर इशू हो जाते हैं या फिर ईशॉप देती है कई कंपनियां बहुत ज्यादा, जैसे ITC बहुत ज्यादा ईशॉप देता है, तो आप उनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंक्रीज होते रहते हैं, तो वहां पे ईपीएस डिक्रीज हो जाता है।
बट अगर मान लो कि नेट प्रॉफिट बढ़ा और आउटस्टैंडिंग शेयर भी बढ़ा, तो वहां पे नेट नेट इफेक्ट आता है, वो फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट होता है। और कई बार कंपनियां क्या करती है, बायबैक कर लेती है शेयर्स को, मतलब वापस कंपनियां खरीद देती है, तो वहां पे आउटस्टैंडिंग शेयर्स डिक्रीज हो जाता है। बायबैक के ऊपर हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, एक दो वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। तो उस समय बायबैक के कारण से आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाते हैं, तो हमारा ईपीएस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पिक्चर से कि ईपीएस कब बढ़ता है कब घटता है। ठीक है, तो जनरली आप लोग अगर किसी ने एनुअल रिपोर्ट पढ़ा होगा तो वहां पे आप देखोगे, या क्वार्टरली रिजल्ट भी देखा होगा तो वहां पे देखा होगा कि बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस दो अलग अलग टर्म लिखा होता है। तो ये सब टाइप्स ऑफ ईपीएस होते हैं। अगर आपके अभी मनी कंट्रोल या screener.com या स्टॉकेज किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ईपीएस देखे होगा तो वहाँ TTM ईपीएस लिखा होता है, उसका फुल फॉर्म होता है ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस। ये सब हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने कभी एनुअल रिपोर्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे करंट ईपीएस और फॉरवर्ड ईपीएस भी लिखा होता है। रिसर्च रिपोर्ट अगर किसी ब्रोकर का या रिसर्च कंपनी का पढ़ोगे तो वहाँ पे फॉरवर्ड ईपीएस वो लोग निकाल के बताते हैं कि आने वाला ईपीएस कितना होगा। तो ये सारा कैलकुलेशन और ये क्या होते हैं, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जब TCS का अभी करंट में एक शेयर के बदले में 87 रुपये प्रॉफिट कमा रही है, तो TCS का शेयर प्राइस 3,000 क्यों है? क्या आप में से किसी को ये दिमाग में आया अभी तक? तो ये क्वेश्चन पूछो, इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसका आंसर है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। वो रेशियो के हिसाब से हमें पता चलेगा कि क्यों इतना प्राइस हाई होता है जबकि ईपीएस तो इतना कम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ईपीएस क्या होता है समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपके एक शेयर के बदले में कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो आपके पास अब जितनी भी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ईपीएस से, तो आपके लिए कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है वो आप निकाल सकते हो। बट जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ ईपीएस देख के हम नहीं बता सकते, और ईपीएस तो बहुत ही कम आता है, शेयर प्राइस बहुत ही हाई होता है। ये पता करने के लिए हमें पी रेशियो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पी रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि संडे को सुबह 8 बजे आप अपलोड हो जाएंगे। और फ्रेंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करना है, तो अनाउंसमेंट ये है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ईपीएस के ऊपर, पी रेशियो के ऊपर, ये सब बिल्कुल एक बेस है। मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें एक पैसिव इन्वेस्टर, जो कि एक मान लो कोई जॉब करता है या बिजनेस कर रहा है या कोई स्टूडेंट है, उनके पास ज़्यादा रिसर्च का टाइम नहीं है बट वो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पैसा, तो उनके लिए एक मिनिमम रिसर्च मिनिमम रिस्क के साथ पैसिव इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उस पर मैं ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो उसी का बेस तैयार कर रहा हूँ, कुछ हमें टर्म्स आगे काम आएंगे तो ये टर्म्स आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। तो ये प्लेलिस्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो सैटरडे और संडे को सुबह 8 बजे अपलोड होगी। तो आप लोग अगर ये प्लेलिस्ट फॉलो करना चाहते हो, आप ऐसे हो जो मार्केट को ज़्यादा डीप नहीं जानना चाहते बट लेकिन मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके इंडेक्स के रिटर्न को, इन्फ्लेशन को और FD के रिटर्न को बीट करना चाहते हो, तो ये प्लेलिस्ट बिल्कुल देखना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके ऑन कर देना, ताकि आपको जब भी ये वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। या हमारा टेलीग्राम ग्रुप या किसी सोशल मीडिया पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नीचे अपना कमेंट करके दो वर्ड बता देना कि वीडियो कैसा लगा, और इस तरह के और क्या टॉपिक्स आप चाहते हो वो हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, सो हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग गाइस, बाय बाय।